और अभी पुलिस अमर को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके लेके जा रहा है। अभी तुम ध्रुव को फंसा रहा है, ध्रुव को फंसा के बोल रहा है ये ध्रुव का बच्चा है, अभी तो डीएनए बोल रहा है ये किसका बच्चा है। हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम फुल ब्लॉग्स गाइस। आज क्या हुआ है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आज फाइनली समर को गिरफ्तार कर लिया, तो कैसा गिरफ्तार किया है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आज राधिका का बाप फिर पुलिस को लेके आया समर का घर पे, तो समर का घर पे आने के बाद समर को पकड़ा। समर को पकड़ने के बाद समर राधिका का बाप का साथ बहुत झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद पुलिस बोला है आज जाके डीएनए टेस्ट करा लेगा तो पता चल जाएगा किसका बच्चा है। तो बाद में पुलिस लेके गया डॉक्टर का पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद उधर डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट कराने के बाद समर का घर पे आया। समर का घर पे आके समर मिला नहीं, समर मार्केट पे था, तो समर का माँ से मिला। तो समर का माँ से मिलने के बाद समर का माँ को दिखाया, बोला ये समर का बच्चा है। तो बाद में समर का माँ राधिका का बाप को बोल रहा है तुम रिश्वत खिलाया है, इसलिए वो रिपोर्ट डुप्लीकेट लेके आया है और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो बाद में पुलिस बोल रहा है मैं जाके डीएनए टेस्ट कराया हूँ, ये कैसा गलत होगा। तो बाद में पुलिस के साथ समर का माँ झगड़ा करने लग गया, बोलता है तुम रिश्वत खाया, रिश्वत खा के तुम राधिका का बाप का साथ दे रहा है। तो मैं समर का माँ को बोल रहा हूँ तुम्हारा लड़का का ऊपर तुम्हारा इतना विश्वास है, तुम इतना दिन से लेके नाटक कर रहा है, तुम जाके क्यों डीएनए टेस्ट नहीं कराया? क्योंकि तुम्हारा लड़का का बच्चा है, तुमको मालूम है, इसलिए तुम जाके डीएनए टेस्ट नहीं कराया और तुम अभी पुलिस के साथ झगड़ा कर रहा है। तो मैं राधिका का बाप को और पुलिस को बोल रहा हूँ उसको भी मत छोड़ो, उसको भी जेल का अंदर करो। वो लड़का का साथ दे के लड़का को ये हरकत करा रहा है, उसको भी शर्म नहीं है। इतना बेशरम औरत है, ऐसा औरत मेरे लाइफ पे मैं कभी देखा नहीं हूँ। और बाद में गुनगुना के पुलिस के साथ बहस कर रहा है, बोल रहा है ये डीएनए रिपोर्ट जो है वो गलत है, तुमको रिश्वत दिया है इसलिए तुम राधिका का बाप का साथ दे रहे है। तो मैं गुनगुन को बोल रहा हूँ तुम इतना ईमानदार है तो तुमको पुलिस पूछ रहा है ये किसका बच्चा है, तुम क्यों नहीं बता रहा है? और अभी तुम बोल रहा है ये डीएनए रिपोर्ट गलत है, तुम गलत हो वो नहीं बोल रहा है, तुमको तो शर्म नहीं है, पूरा दुनिया तुमको चप्पल मार रहा है, तुम्हारा बदन पे तुड़ा भी नहीं लग रहा है। और अभी पुलिस समर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके लेके जा रहा है और जाके गुनगुन दरवाजा पे खड़ा हो गया, समर को लेके जाने नहीं दे रहा है। अभी जो किया है वो क्या किया है? इतना प्यार है समर का साथ तो तुम खुल के बता दो ना, तुम क्यों छुपा रहे और ध्रुव को क्यों फंसा रहे? पहले एक बार समर को ऐसा फंसाया, फंसाने के बाद समर कैसा निकला? अभी तुम ध्रुव को फंसा रहा है, ध्रुव को फंसा के बोल रहा है ये ध्रुव का बच्चा है, अभी तो डीएनए बोल रहा है ये किसका बच्चा है? थोड़ा तो शर्म कर लो, इतना बेशरम क्यों बन रहा है तुम लोग? मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और राधिका का बाप को बोल रहा तुम एक पुलिस को क्यों बार बार लेके आ रहा है, मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उसका साथ और पुलिस नहीं है क्या? मेरे को एक चीज बताओ, वो बार बार आके पूछ रहा है, पुलिस आके पूछता है क्या? मेरे को एक चीज बताओ, पुलिस आके सीधा पकड़ के लेके तनाव पे जाता है, ठीक है? जो पूछताछ करना है तनाव पे पूछताछ करता है, ठीक है? घर पे पूछताछ नहीं करता है, ठीक है? और अभी समर को पकड़ के लेके गया, कौन सा तनाव पे लेके गया आप लोग वीडियो बना के दिखाओ, ठीक है? क्योंकि पूरा पब्लिक को विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये पुलिस का नेम प्लेट भी नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है? और राधिका का बाप को बोल रहा हूँ सीरीज समर को पकड़ के लेके गया, गुनगुन को क्यों पकड़ के लेके नहीं गया? क्योंकि गलती दोनों ने किया है, समर को सिर्फ पकड़ के लेके जाके जेल कराने से कुछ नहीं होगा, उसका साथ गुनगुन को भी जेल कराओ, ठीक है? क्योंकि वो बेशरम लड़की है, उसका शर्म उरम कुछ नहीं है और उसको पूरा पब्लिक गाली दे रहा है फिर भी उसका बदन पे नहीं लग रहा है। और गाइस ये लोग का बारे में क्या बोलूं, ये लोग का तो वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और गाइस आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ ये पुलिस असली है ना डुप्लीकेट है? मेरे को तो डुप्लीकेट लग रहा है इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना ये असली है ना डुप्लीकेट है, ठीक है? और गाइस मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा।